अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद फैमिली। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से चिकन शाशलिक एंड फ्राइड राइस। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए जो काम करना होता है हमें वो है चिकन को मैरिनेट करके रखना होता है। तो उसके लिए हमें लेनी है आधा किलो चिकन। इसको अच्छी तरीके से धो के इसको हमने बॉल में निकाल के रख दिया है। तो अब इसको मैरिनेट करेंगे तो उसमें लगाएंगे मसाला। तो उसमें डालेंगे सबसे पहले चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, वाइट पेपर हाफ टीस्पून, ऑस्टर सॉस टेबल स्पून, चिल्ली सॉस, वन टेबल स्पून विनेगर, वन टेबल स्पून डालेंगे हम लोग सोया सॉस, ओके, और फ्रेश लहसुन डालेंगे, इसको मैंने कूट लिया है, ये डालेंगे वन टेबल स्पून, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने चिकन को मैरिनेट किया था, इसको करे हुए एक से डेढ़ घंटा हो चुका है। जितना आप इसको मैरिनेट करें उतना अच्छा होता है ये। अब इसको हम लोग तेल में डालते हैं, इसको ना डीप फ्राई भी करते हैं लेकिन मैं ऐसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से डालते रहेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाला वन टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट सॉरी ये फ्रेश लहसुन है, इसको मैंने पीस लिया है। ये देखें, ये हमने डाला चिल्ली सॉस, चिल्ली गार्लिक सॉस टेबल स्पून, टमाटो वो सॉरी टमाटो केचप डालेंगे टू टेबल स्पून, टमाटो प्यूरी ये मेरी होम मेड है, मैंने बाजार से मंगाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बनाऊँ। टमाटो पेस्ट जो होता है वो, ठीक है, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे वाइट पेपर हाफ टी स्पून, वाइट पेपर डालेंगे इसके अंदर, और डालेंगे हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर, और इसके अंदर डाल देंगे और डालेंगे वन टेबल स्पून ऑस्टर सॉस। अच्छा, बहुत से लोग इसके अंदर डाल देते हैं सोया सॉस, तो जो इसकी मेन जो ये चीज़ होती है या होती है ऑस्टर सॉस, ये इसमें लाजमी डलता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, ये भी वन टेबल स्पून के करीब डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे, और इसके अंदर डाल देंगे सिरका, टीगर ये भी वन टेबल स्पून के करीब भी डाल देंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि अभी ये पकेगा और ये थोड़ा सा लगे ना इस वजह से, और अब इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस, चिली सॉस डाल देंगे टू टेबल स्पून, वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने कलर के लिए डाली, इसमें कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट आते हैं, अच्छा सा मज़ेदार सा कलर आ जाता है इसका। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी स्पाइस के लिए, डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, करीब डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये डालेंगे हम लोग हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून डाल देंगे या वन टेबल स्पून के करीब चाइनीज नमक यानी कि चिकन पाउडर, एक टेबल स्पून चीनी, वन टेबल स्पून शुगर, नमक को ना शुगर इसलिए डालते हैं कि टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डालते हैं, से टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अंदर डाल देंगे नमक, नमक बहुत हम लोग देख कर डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो डाला है केचप और ये चिली सॉस ऑस्टर सॉस, इसमें सब में नमक होता है और ख़ासतौर पर सोया सॉस में, तो नमक बिल्कुल कम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब। मैं अब इसके अंदर डाला शिमला मिर्च और ये टमाटर हैं और हैं प्याज, इसके अंदर डाल देंगे
और ये चिकन है जो हमने फ्राई करी थी, ये डाल देंगे इसमें। हमने तेल लिया, तेल के अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, लहसुन का सॉरी यही बोल रहा है, लहसुन का ना पीसा, इसको मैंने वापस से डाल के फ्रेश लहसुन, इसका अच्छा सारी चीज़ें फ्रेश चलती हैं। पहले हमने तीनों सॉसेस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ठीक है, अब इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, अब इसको थोड़ा सा सॉटी करेंगे, अब इसके अंदर डालेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे हम वेजिटेबल्स में है, डालेंगे गाजर और है शिमला मिर्च, आप इसके अलावा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज, मटर, इसमें डाल देंगे बंद गोभी, अब इसके अंदर डाल देंगे गोभी, हमने सिर्फ इसको ना हल्का हल्का सॉटी करे, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है इसकी वेजिटेबल्स को, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे राइस, राइस हमने इसको अच्छी तरीके से ना बॉईल कर लिया, इसको ना फुल बॉईल करना है, देखिए एक कनी भी बाकी नहीं रही, देखिए बिल्कुल गले में हमारे चावल, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़े थोड़े चावल में डालते जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से खूब मिक्स करेंगे। देखिए ये मेरे पास तीन अंडे थे, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करा, तोड़ा, अब इसमें फिर अब इसमें ना थोड़ा सा मैंने डाला है फूड कलर येलो, इससे ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा येलो येलो फ्राइड राइस में, अब इसको हम करेंगे फ्राई। देखें अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, मैंने इसके अंदर कलर डाला, आप चाहे तो डालें या नहीं डालें, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं बताएगा किस में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक।